Once again, welcome class 12th. आज हमारा next question होगा unit optics का lens formula. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं mirror formula, जिसमें same relation आपको derive करना था between object distance, image distance and focal length. Similarly, यहां भी same ही relation derive करना होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच. अब सिर्फ आपको आज लेंस चूज करना है. लास्ट टाइम हमने मिरर चूज किया था, तो जैसे आपको मालूम ही है कि लेंसेज जो हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स. एक टाइप उनमें है ये जो आपको मैं बिफोर बोर्ड पे फिगर बना के यहां दिखा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड डबल कन्वेक्स. इसमें बोथ साइड बल्जिंग होता है बाहर की ओर. तो अगर हाथ में इसको लिया जाए, जैसे आई हैव अ पीस हियर, सो ये वाला जो है अगर हाथ में लिया जाए तो बीच में थिक लगता है और एजेस पे थिन लगता है. तो ये अगर हम यूज करें, राइट, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए हर लेंस की फोकल लेंथ होती है. और वो फोकल लेंथ जो है वो हम कैसे निकालते हैं, रफ फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूले का यूज करके भी इसकी फोकल हम निकाल सकते हैं, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगा सारा. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले एक डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम, जहां हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे कहीं पे और फिर उसकी इमेज कहां बनती है वो बनाएंगे. उसके बाद हम रिलेशन निकालेंगे बिटवीन दीज थ्री टर्म्स. तो बच्चों सबसे पहले देखो, एक लेंस हमने लिया, कन्वेक्स लेंस, जिसका सेंटर ओ है, कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. और एक लाइन जो पास की गई है थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ इस लेंस की कुछ फोकल लेंथ होगी, राइट. So, वो फोकल लेंथ मैं अभी बताता हूं वो कितनी होगी. यहां मैं बताता हूं फिगर से. अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट चूज करते हैं. जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ए भी एक ऑब्जेक्ट है, इस लेंस के सामने मैंने रखा है. अब यहां से एक टॉप से कुछ रेज ऑफ लाइट जा रही है, से एक रे ऑफ लाइट ए डी जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है. और अब यहां ये ट्रांसपेरेंट मीडिया है, तो पता होगा, बड़ा होगा कि यहां पर रिफ्रेक्शन होगा. मिरर में क्या होता, रिफ्लेक्शन, यहां क्या होगा, रिफ्रेक्शन. लाइट अब पास हो जाएगी थ्रू गिलास और खुद देख रहे हैं आप, लाइट रिफ्रेक्ट होके जा रही है, बेंड होके जा रही है. और जहां से ये रे ऑफ लाइट पास हो रही है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. और रेज ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट जो है, जो ए से आई डी की ओर, डी से रिफ्रेक्ट होके चली गई थ्रू एफ. Another ray of light जो A से ही आ रही है, उसको double arrows में दिखा रहा हूं, ये बच्चों सीधी जा रही है optical center से, without deviation, without refraction, सीधी undeviated चली गई, जैसे principal axis, right? ये pass हो रहा है through optical center, undeviated, ये भी undeviated, सीधी चली गई. लेकिन अब खुद देख लो, ये दोनों after refraction यहां पे intersect कर गई. और यहां पे आप देखेंगे आपकी इमेज, ये एक टिप यहां होगा. अब हर एक पॉइंट से रेज जाएंगी और इस लेंस से पास होकर रिफ्लेक्ट होके उस साइड चली जाएंगी. और लास्ट पे आएगी बारी बी एंड की. बी से जो रे ऑफ लाइट ये जा रही है, ये अनडिवेटेड सीधी जाएगी और यहां पे आपकी आप बनेगी इसकी इमेज. तो इन शॉर्ट, ए बी जो ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ये लेंस राइट साइड ऑन द अदर साइड बना रहा है. और आप खुद देख रहे हैं, दिस इज इनवर्टेड इमेज. और इस टाइप की इमेज को बोलते हैं रियल इमेज. सो दिस इज ए डैश बी डैश, रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी. अब कहां फॉर्म हो रही है, दैट डिस्टेंस वी कॉल इमेज डिस्टेंस डिनोटेड बाय वी. ऑब्जेक्ट कहां रखा है, दैट डिस्टेंस इज कॉल यू. और ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, राइट. अब इन तीनों के बीच रिलेशन एक है जो हम डिराइव करेंगे आज, उसी को हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला. चाहे फिर लेंस कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग. एंड द सेकेंड टाइप विच इज कनकेव लेंस, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग. आपने देखा होगा बच्चे लोग खेलते हुए रहते हैं कि अगर किसी के पास ये हो तो वो अगर सन की ओर इसको ऐसे रखेगा तो बोर्ड पे एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, राइट. तो खुद देख रहे हैं आप, यहां पे चुनाचे लाइट बहुत डिम है, तो बोर्ड पे एक स्पॉट बनता है. दिस इज द फोकस ऑफ दिस लेंस.
अक्सर बच्चे खेलते भी रहते हैं, कागज पे अगर आप इसको एक कागज पे ऐसे रखते हैं और सन के सामने रखते हैं तो एक ब्राइट स्पॉट बनता है कागज पे और कागज जल भी जाता है। कभी कभार बच्चे लोग किसी को गर्दन पे पीछे से कोई बच्चे आगे देख रहे होते हैं तो गर्दन जल जाती है, यानी उनको फील होता है किसी कीड़े ने डस लिया हो। तो असल में वो होता क्या है कि इस पर जब रेज ऑफ लाइट सन से आती है ये उनको कन्वर्ज करता है, एक ही जगह सारी लाइट इंटेंसिटी जमा कर देता है और वो पॉइंट हो गया इसका फोकस और उस जगह जो है ये स्पॉट बनाता है। सिमिलरली इसका यूज भी आप हम अक्सर बहुत सारी जगहों पर देखते हैं, अक्सर मोबाइल जो रिपेयर करता है राइट, यह मैकेनिक हमारा वॉच रिपेयर करता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो बहुत छोटी चीजों के साथ रिलेटेड होते हैं उनको बड़ा अगर उनको करके देखना हो दे यूज दिस टाइप ऑफ लेंस, क्योंकि इसके एक प्रॉपर्टी है कि अगर इसके यहाँ पे सी ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका फोकस है, इस डिस्टेंस के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए इस साइड, देखो फोकस इसके दो होंगे, राइट भी होगा लेफ्ट भी होगा। अब फिलहाल इस फिगर में ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है और फोकस में ये कंसिडर करूंगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट राइट साइड रखूंगा तो फोकस इस साइड कंसिडर करूंगा। तो अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ये लेंस क्या करता है, इमेज उस साइड नहीं बनाएगा, सेम साइड बहुत बड़ी मैग्निफाइड इमेज बनाता है और सेम कंसेप्ट मैकेनिक लोग यूज करते हैं। तो अगर आपको देखे तो देख सकते हैं आप, देखिए कितना बड़ा बना रहा है, इमेज दिखा रहे हैं ये, इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूं इसके फोकस और सेंटर के बीच, जिसका फोकस होगा फोकस से राइट हियर, दिस इज द फोकस हियर, तो यहां पे मैं रख रहा हूं ऑब्जेक्ट और ये सेम साइड मैग्निफाइड इमेज बनाता है। तो लिहाजा ये है इसका कन्वर्जिंग का मसला। और फिर जो दूसरा हमारा कंकेव होता है वो लाइट को डाइवर्ज करता है, उसके भी बहुत सारे यूजेस हैं तो वो हम पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो लेट अस स्टार्ट नाउ डिराइविंग द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इसके लिए अब आपको रे डायग्राम मैंने समझा दी, तो मैं सिर्फ यहां क्या करता हूं, मैं ओडी को ज्वाइन करता हूं और क्लियर है कि ओडी एबी के बराबर है। नाउ इसी ज्योमेट्री को मैं यूज करके फार्मूला ड्राइव करता हूं। सबसे पहले आप फिगर में देखिए बच्चों लोग, ए यहां दो ट्राइंगल है ए बी ओ, दिस वाली दे वाली ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ राइट, यहां पे एक ट्राइंगल, दोनों को मैं क्या लिख रहा हूं, दोनों जो है सिमिलर है, सिमिलर मतलब इनके दोनों के एंगल बराबर है। खुद देख लो दिस एंगल एंड दिस एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर, और ये राइट एंगल इक्वल, और थर्ड एंगल भी होगा फिर बराबर। That means both triangles are similar here. And when triangles are similar, पीछे भी हमने पढ़ा है मिरर फार्मूले में कि इनकी corresponding sides का ratio बराबर होगा। तो यहाँ का perpendicular और यहाँ का perpendicular का ratio बराबर है। Base ले रहा हूँ triangle की OB और उस triangle की base क्या है? OB dash। तो इनका ratio बराबर होता है। तो इसको मैं consider करता हूँ equation first। फिर से देखो इसी figure में again I have two triangles, triangle ODF ए डैश बी डैश एफ, ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल, इन दोनों को फिर से मैं कह रहा हूं दे आर सिमिलर, सी राइट एंगल दिस इज राइट एंगल, दिस एंगल दिस एंगल वर्टिकली पोस्ट एंगल्स, दो दो एंगल बराबर, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर। तो दिस टू ट्राइंगल्स आर अगेन सिमिलर, तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी हम बराबर लिखेंगे। तो अगेन ट्राइंगल ओडीएफ एंड ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर, तो लिखिएगा बच्चों ओडी परपेंडिकुलर इसका और उसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश का रेशियो राइट इज इक्वल टू, इसकी बेस कौन है ओ एफ और उसकी एफ बी डैश, ओ एफ अपॉन एफ बी डैश राइट। तो अब यहां पे आप जरा गौर से देखिएगा, ओडी मैंने किसके बराबर बोला था ए बी, तो एज ओडी इज ए बी, अब ओडी की जगह ए बी लिख सकते हैं, व्हाट वी गेट ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ बाय एफ बी डैश। लेकिन यहां पे बच्चों लोग जैसे मैंने मेरे फॉर्मूला में किया था, एफ बी डैश जो है अगर ए बी देखा जाए, ए बी क्या है, ए बी ए बी सॉरी मैं यहां पे एफ बी डैश डिस्टेंस को देख रहा हूं जरा, ये कौन सा डिस्टेंस है एफ बी डैश, ये एफ टू बी डैश ये कोई डिस्टेंस नहीं है, इसको मैं जरा चेंज कर रहा हूं क्योंकि मैंने यहां मेजर करना है डिस्टेंसेस को, और डिस्टेंसेस ऑलवेज दे आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, जैसे साइन कन्वेंशन हमने पढ़ ली है, जो साइन कन्वेंशन मिरर में अप्लाई होती है यहां भी सेम अप्लाई होती है। सो मैं एफ बी डैश को चेंज कर रहा हूं, मैं एफ बी डैश लिखूंगा ओ बी डैश माइनस ओ एफ,
एफ बी डैश क्यों लिख रहा हूं, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। चलिए इसको मानते इक्वेशन सेकेंड, करिए आप दोनों को कंपेयर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट यू गेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को देख लीजिए बच्चों, एल एच एस दोनों की सेम, तो आर एच एस भी हम सेम लिख सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट यू गेट, एल एच एस सेम है तो आर एच एस सेम लिखिएगा, लिखी मैंने आर एच एस सेम। अगर गौर करेंगे आप सभी टर्म्स में ओ है, ओ लिखा यहां भी, ओ यहां भी, यहां भी, यहां भी, इसकी ब्यूटी क्या है, ओ क्या मतलब रखता है, ओ यहां ये मतलब रखता है साइन कन्वेंशन, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ओ यानी ऑप्टिकल सेंटर। सो लिहाजा मैं सारे इन डिस्टेंसेस को अब मेजर कर सकता हूं ऑप्टिकल सेंटर से। चलिए बोले बच्चों लोग, व्हाट इज ओ बी इन द फिगर, ओ बी दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सिंस इट लाइज टू द लेफ्ट साइड एज पर साइन कन्वेंशन इसको क्या लूंगा मैं, नेगेटिव तो माइनस यू। ओ बी डैश, ओ बी डैश इज माई इमेज डिस्टेंस, सिंस इमेज इज ऑन द राइट साइड, दिस वी चुनाव राइट साइड है तो इसको मिलूंगा प्लस वी इस पर साइन कन्वेंशन। वट इज ओ एफ, ओ टू एफ यस फोकल लेंथ समाल एफ, इट इज ऑन द राइट साइड प्लस एफ। ओ बी डैश, ओ बी डैश इमेज डिस्टेंस राइट साइड प्लस वी माइनस ओ एफ फोकल लेंथ राइट साइड प्लस एफ। सो अब इन बच्चों लोग इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, माइनस यू वी राइट प्लस माइनस माइनस प्लस वी एफ, सॉरी हाँ ठीक है, माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। चलिए यहां पे हम बच्चे लोग क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी एफ, किया डिवाइड बोथ साइड बाय यू एफ, यू वी यू वी कैंसिल हो गया राइट, ये यू वी कैंसिल, यहाँ यू एफ कैंसिल, वी एफ कैंसिल, जो बचता है वो हमने लिखा। फिर हमने यहाँ क्या किया, वन वन माइनस वन बाई एफ को राइट साइड लिया, और एल एच एस जो आर एच एस में वन बाई यू था एल एच एस में लाया, तो वन बाई वी माइनस वन बाई इज इक्वल टू वन बाई एफ, तो इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू। अब गौर से देखिएगा बच्चों, इसमें तीनों टर्म्स यू वी और एफ आ रही हैं, और इसी को हम बोलते हैं लेंज फार्मूला। जरा गौर से देखिए, मेरे फार्मूले में यहाँ प्लस था और यहां आ रहा है माइनस, लेकिन ध्यान रखिए यहां इमेज डिस्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस में से सबट्रैक्ट किसको करना होगा, रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, तो क्या निकलेगा, जो रिजल्ट आएगा वो होगा रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी हम इसकी फोकल लेंथ इजीली निकाल सकते हैं अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता हो और इमेज डिस्टेंस पता हो, या वो भी जरूरी नहीं है, अगर हमें फोकल लेंथ पता हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता हो हम इमेज डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से, फोकल लेंथ मालूम हो राइट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता हो इमेज डिस्टेंस निकाला जा सकता है। तो तीन ये तीन मेरे पास वेरिएबल्स हैं, इनमें कोई भी दो गिवन हो तो तीसरी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकती है। तो इसमें हम फाइनली इसको शॉर्टकट में और हम लिख सकते हैं वन बाई एफ इज इक्वल टू यहाँ एलसीएम लिख सकते हैं यू वी, तो यू माइनस वी, सो इसको उल्टा कर दीजिएगा इन्वर्ट करो तो एफ आएगा यू वी अपॉन यू माइनस वी, तो ये जो है लेंस फार्मूला ही है। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ कॉल्ड लेंस फार्मूला। सो दिस इज ऑल अबाउट, तो आई थिंक समझ गए आप कि इसी फिगर से मैंने पहले दो ट्राइंगल ले ली, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो इक्वल, फिर यहीं से दो और ट्राइंगल ले ली, फिर दे आर सिमिलर उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो इक्वल, फिर उनको इक्वेट किया, यहाँ साइन कन्वेंशन लगाई, वैल्यू सबको लगाई, तो जो रिलेशन सामने आता है दैट इज कॉल्ड लेंस फार्मूला, और ये रिलेशन आता है बिटवीन यू एंड एफ। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ बराबर होता है डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेंस फार्मूला, बट दिस इज इन केस ऑफ कन्वेक्स। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा लेंस हो कनकेव लेंस लेंगे तो उस केस में फार्मूला डिराइव करेंगे। ओके okay?